पंजाब दे विच लगातार फायरिंग दीआं घटनावां वापर रहीआं ने। ताज़ी घटना फिरोजपुर दे विच वापरी है जिथे कि एक नामी सुनियारे दे घर ते फायरिंग हुई है क्योंकि उसने 50 लाख रुपए की फिरौती देण तों इनकार कर दिता सी। की है पूरा मामला वह भी तुहानूं दिखाउंदे आं ते नाल ही दसदे आं कि हुण तक पंजाब दे विच जिहड़े ताज़ा घटनाक्रम होए ने किथे किथे फायरिंग दीआं घटनावां वापरीआं ने। पहला अमृतसर कोटकपुरा ते हुण फिरोजपुर दी वारी। फिरोजपुर च भी फायरिंग हुई है। मोटरसाइकिल सवारां ने गोलियां चलाईयां ते निशाना बनाया एक ज्वैलर। कस्बा तलवंडी दे रहण वाले एक नामी सुनियारे ते जानलेवा हमला होया पर ज्वैलर ने घर च वड़ के अपनी जान बचाई। सुनियारे मुताबिक 23 अक्टूबर नूं वट्सएप कॉल जरिए उन्हां तों 50 लाख की फिरौती मंगी। गैंगस्टर सुखा दुनेके के नां दस के फिरौती मंगी गई जिस बाबत उन्होंने पुलिस शिकायत भी दर्ज करवाई ते फिरौती देण तों इनकार किया। हुण फिरौती ना देण करके ही शायद उन्होंने उत्ते हमला होया। रात घटना वापरी 1:45 मिनट का टाइम होगा तो जो असी साडे गेट तो अंदर टप के बंदे ने बैक कोठी बैक साइड आ के जो साढ़े फायर किए हैं कोठी से एकदम असी उठे घबराए भी फायर हो रहे हैं। जो असी वेख्या कैमरा कट के मोटरसाइकिल से लाट दिया उसी लाइट तो वह बंदे भजते नज़र आए। असी उस तो बाद असी उन्होंने थोड़ा उपर जाके ध्यान वेख्या असी 1-2 फायर किए आपकी सेफ्टी वास्ते तो उस तो बाद चले गए हैं। तो उस तो बाद असी मूवी का कैमरा वेख्या सारा तीन बंदे से तिना के मूँह बन्ने से एक साढ़े अंदर आ गया दो साढ़े बंदे बाहर खड़े रहे हैं। उही सारी फुटेज SP साहब न डिप्टी साहब न तलवंडी सिटी इंचार्ज न दिती है। तो पर असी नाल ही बेनती करते हैं भी साड़ी सेफ्टी की जाए। मान सरकार का राज अजक मान साहब जी बेनती ही करते हैं जी पंजाब के अगे वर्ग स्टूडेंट वर्ग सारा टोटली सारा बाहर जा रहा है जो कोई नौकरी काम कार नहीं मिलते सी। हुण जो साडा वर्ग व्यापारी वर्ग है जिहड़ा 4 पैसे की मेहनत ना कमाता है वो भी यही हालत हो रही है। डर खतरा होना हुण साडा भी मन यही करता असीं बाहर चले जाइए। इहदा मतलब यह हो गया जी पंजाब च कोई भी कारोबारी सुरक्षित नहीं हैगा। अज मैं 2 साल पहले भी धमकियां दे रही हैं जी उस सारे SSP साहब नूं मैं दिखा दिता उन्होंने सानूं गन बन दिते सी ते नाल सानूं सिक्योरिटी सानूं छड के जांदे सी सड़के लै के जांदे सी। उस तो बाद इलैक्शन आ गए इलैक्शन सारी सिक्योरिटी वापस ले गई मेरे गन बन भी वापस ले गए। हुण दोबारा फिर दिवाली तो एक दिन पहला धमकी आई तो असी SSP साहब के पेश होए उन्हें सानू उस टाइम गनमैन अलाउ करता भी सू गनमैन लै लो असी गनमैन लै लिया। हुण एक गनमैन सानू पक्का मिलया होया वो गनमैन रात में चला जाता जी तो इस तो बाद उन्होंने फिर साढ़े रात में 2 बजे आगे साढ़े कार्रवाई की। तरन तारण च लुटदी इह वारदात 10 नवंबर नूं वापरी सी। इस तों इलावा खन्ना च वी सितंबर महीने च अजिही लुटदी वारदात नूं अंजाम दिता गया सी। पंजाब च विगड़ी कानून व्यवस्था दीआं मूँह बोलदीआं कुछ होर तस्वीरां वी दिखाउने आं। दस नवंबर नूं कोटकपुरा च डेरा प्रेमी प्रदीप कटारिया का शरेआम 6 हमलावरां ने अन्नेवा गोलियां चला के कतल कर दिता सी। हालांकि इस मामले च पंजाब पुलिस के हाथ अजे खाली ने पर दिल्ली पुलिस ने 3 मुलजमान नूं गिरफ्तार कर लिया। दस नवंबर की शाम नूं ही पटियाला च 2 धिरां च निजी रंजिश के चलदियां हुई फायरिंग च एक व्यक्ति की मौत हुई है 3 जख्मी हुए ने। चार नवंबर नूं अमृतसर च शिवसेना लीडर सुधीर सूरी का शरेआम कतल कर दिता गया सी। संदीप सनी नाम के शख्स ने धरने ते बैठे सुधीर सूरी नूं पुलिस की मौजूदगी च अन्नेवाह गोलियां मारियां सन ते पुलिस मूक दर्शक बन वेखदी रही। 4 नवंबर नूं ही अमृतसर के मैरिज पैलेस च शराब कारोबारी के गुंडिया ने शरेआम फायरिंग की सी। पुलिस इस फायरिंग की घटना के बाद बनती कार्रवाई करन दा ही दम भरती रही सी। अगस्त के अखीर दे विच पंजाब के जिला तरन तारण के पट्टी नज़दीक पिंड ठक्करपुर दे विच एक चर्च च भनतोड़ की गई। इस घटना नूं मुलजम दे वलों अंजाम देण दीआं तस्वीरां CCTV दे विच सामने आईआं। तस्वीरां दे विच नज़र आ रहा सी कि एक व्यक्ति चर्च के अंदर जाके धार्मिक मूर्तियां नूं तोड़ रहा है। इस तों इलावा चर्च दे विच एक कार नूं भी अग लगाई गई सी।
16 मार्च 2022 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੀਐਮ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 75ਵੇਂ ਦਿਨ 29 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਵਾਹਰਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੇਖੌਫ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਈ 2022 ਦੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੇ ਰਾਕੇਟ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 4 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਰੂਦ ਸਮੇਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਵੇ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਸਤਾੜਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਗੱਡੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਤੇ ਅਸਰਾ ਅਤੇ ਬਾਰੂਦ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਨੋਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ 4 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 4 ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ, 3 ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ 1 ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਇੱਥੇ 2 ਧਾਰਮਿਕ ਧਿਰਾਂ ਭਿੜ ਗਈਆਂ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜੇ ਵਰਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਕਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਸਣੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਸੁਹਾਵਾ ਦਾ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਿਆ ਸੀ। 5 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪਿੰਡ ਦੌਣ ਕਲਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। 4 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਫੁੱਲੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਿੰਡ ਮਾੜੀ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਤਮਾਮ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ।